इन्होंने तो मना कर दिया कि बसें भी नहीं है हमारे पास। वो तड़प रहे थे रोटी के लिए, छत के लिए, घर आने के लिए, अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए। उनका हमराही कोई नहीं था। मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा था बिहार में जो उनकी मदद कर रहा। ये सामाजिक लोगों का गठबंधन है जिनके दिलों में दर्द है, जो बिहार को वास्तविकता में परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता। मैं यहाँ इसलिए हूं कि ये और बड़ा हो, क्योंकि मेरा काम जोड़ना। मैं इसे और बड़ा करूंगा जिससे कि हम यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकें, जो राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा चलते हैं, उनको रोक सकें। तो मैं यहाँ इसलिए हूं कि हम लोग बिहार को मजबूत बिहार बना सकें, खुशहाल बिहार बना सकें, जो तमाम समस्याएं हैं यहाँ और हमारे एजेंडे हैं। हम अपने एजेंडों की वजह से यहाँ, बहुजन समाज की वजह से यहाँ है। हम यहाँ इसलिए है कि शोषित वंचित समाज के लोगों को उनके अधिकार मिले। जो लोग अहंकार में, हमने सभी लोगों को निमंत्रण भेजा है और हमने पहल की थी। मैंने खुद कहा था कि भाजपा को रोकने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े या किसी को मदद देनी पड़े। कुछ लोग अहंकार में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि जनता नेता तय करती है। जनता वो होता है आज का समाज नेता, उसे मानता है जो उनके बीच में रहता है, जिनसे वो किसी भी समय मिल सके, जिसे अपना दुख दर्द कह सके। और वीआईपी सिक्योरिटी वाले मुझे नहीं लगता है कि गरीबों की आवाज को सुन पाएंगे। धन्यवाद। लेकिन चंद्रशेखर जी, एक सवाल, क्या जहां जहां जाते हैं जातीय संघर्ष होते हैं, अक्सर ये आपके ऊपर आरोप लगते रहे। जरा आर भारत जी, मेरा आग्रह है। देखिए, मैं वहां जाता हूँ जहाँ जाति के नाम से हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाता है। मैं कल गया था हाथरस, आप बयां कर पाएंगे? आर भारत ने तो नहीं दिखाया। एक बच्चे की जीभ काट ली गई, उसका रेप हुआ, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई। वो 14 दिन से हॉस्पिटल में है, ना किसी महिला आयोग ने संज्ञान लिया। कल मेरे जाने के बाद कम से कम मैं इतने चला जाता कि न्यूज वाले जो संज्ञान लेते हैं और अपराधियों को सजा मिलना जो है आसान हो जाता है। मैं जहां जाता हूं उसलिए जाता हूं कि इस देश में रहने वाले 19-20% दलितों की भी कहीं बात हो जाए। मैं यहां भी इसलिए हूं कि मैंने इनसे वादा लिया है कि यहां भी जातीय अत्याचार पे हम लोग पाबंदी लगाएंगे। मैंने, मेरी सबसे पहली मांग यही है कि अगर यहां किसी भी अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। अगर जिस वर्ग से मैं आता हूं, दलित समाज, किसी जाति पे अत्याचार होगा, किसी मुसलमान पे, बैकवर्ड किसी भाई पे, किसी महिला पे अत्याचार होगा, तो हम लोग एसी के कमरों में नहीं सोएंगे, सड़क पे निकल के जवाब देंगे। और हम लोग सत्ता में होंगे तो ऐसा दिन नहीं आएगा। धन्यवाद। सवाल ये है कि एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों जगह सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा है। तो बीडीए में क्या है सीट शेयरिंग का सर, क्योंकि दो दिन बचे हुए हैं। कोई आप भैया, कोई आप चिंता ना करिए। जहां पर सत्ता और कुर्सी का लड़ाई नहीं है, कब घोषणा होगी सर? ये भैया, जो लोग सत्ता में हैं उनसे पूछिए कब घोषणा होगी। हमारी घोषणा हो गई और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कहीं भी चंद्रशेखर जी इस देश के, इनकी पार्टी और ये खुद वहां गए हैं जहां जुल्म हुए हैं। ये जुल्म के खिलाफ गए हैं, जुल्म किए नहीं हैं। ये प्रतीक है जुल्म के खिलाफ। जुल्म तो सत्ता बैठे लोग, इसलिए ये जाति व्यवस्था पर हमला इनका नहीं होता, ये जुल्म पर हमला होता। और किसी को कुछ पूछना? सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अक्सर सर पहले ही मैंने कहा है कि मेरा एक मैनिफेस्टो हिंदुस्तान के इतिहास में 30 साल बनाम 3 साल प्रतिज्ञा पत्र शपथ पत्र के साथ आया हुआ। अब पीडीए का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, जैसे इन्होंने कहा कि कोई जुल्म होगा तो हम सड़कों पर होंगे, सत्ता में आएंगे तो नहीं होगा। तो यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, यही बिंदु होता है सभी का। आ चुका, सब आ चुका है। आज आप जो है, आज आप एनडीए से गरम थे, लेकिन यूपीए पे जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले, तो जरूरत पड़ा तो तेजस्वी को भी अपनी। तो आपने क्या देखा, यूपीए पर हम नहीं बोले कि बीजेपी क्या करा रही है कुशवाहा जी और माझी जी को? भैया, राजद एक अच्छा नेतृत्व के साथ आता है तो क्या दिक्कत है? हमारे
महासचिव एसडीपीआई के सफुद्दीन साहब, बिहार लोक निर्माण दल के राजकुमार चौहान साहब, मतंग जी जो वाम से बीएमपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चार बात आज मैं कहूंगा। ये जो आपने पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो आप सुन रहे होंगे, बहुत लंबे वक्तों से एनडीए और यूपीए वह दो दल, दो गठबंधन जो सत्ता, सियासत, कुर्सी, नफरत और उन्माद के एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है, यह जो गठबंधन है यह मानवतावादी गठबंधन। राजनीतिक शास्त्र कम समाज शास्त्र ज्यादा, सबको ले चलने वाला, कश्मीर से कन्याकुमारी, मैं अपने राज में गहरी चिंता इस गठबंधन की जो है कि बिहार को कैसे बचाया जाए। हमारे पार्टी के नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर अखलाक अहमद जी भी हमारे कोश साहब कोऑर्डिनेटर, हमारे मंच पर तोमर साहब, लंबे समाज के अंतिम वर्गों के लिए काम करने की बड़ी भूमिका, और सभी पार्टियों के यहां अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं उनका, सभी पार्टियों के अध्यक्ष का अति सम्मान यहां पर है, और वरिष्ठ नेता यहां मौजूद है। आप ये मत सोचिएगा कि ये गठबंधन अंतिम है, आपको सामने हो सकता है हम सब मिलकर एक बड़ा दिल, समुद्र से ज्यादा गहरा और हिमालय से ज्यादा ऊंचा, और हम सब की जो विचारधारा है वो विचारधारा इस पृथ्वी से ज्यादा चौड़ी है। हर परिस्थितियों में दो बात इस गठबंधन ने निर्णय लिया है, और बातें आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको हम दो दिन के अंदर, आज था एक गठबंधन जो बार बार यह हो रहा था कि बिहार बदलना चाहती है लेकिन कोई संकल्प के साथ विकल्प नहीं मिलता है, विकल्प है एक नहीं बड़ा विकल्प है। हम अब खुद ही अपमानित हो रहे हैं।